ये अब इस तरह पहले स्टिच इस तरफ होगा और नीचे का हिस्सा इस तरफ, मैंने बोल रहा हूँ फैब्रिक को इस तरफ रखेंगे आप लोग कपड़ा को, तो क्या होगा जो पहला स्टिच होगा वो इस तरफ होगा और दूसरा जब ये स्टिच होगा तब हमें जैसे कि उसको देखकर आसानी से बहुत अच्छी तरीके से हम इसको फिनिशिंग कर सकते हैं। और ये देखिए, नहीं तो क्या होगा आपको इसमें कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा तो डर लग रहा है आपको जो क्या होगा कलर, तो वो सब उसमें नहीं होगा, ठीक है, एकदम फिट हो जाएगा। तो फ्रेंड ये देखिए हमारा इधर का स्टिच नीचे का तरफ होगा, ये देखिए कितना अच्छे तरीके से इस जगह का देखिए और इस जगह का देखिए, और ये जो मैंने लगाया इसका ये एक स्टाइल है। और ये देखिए नीचे का हिस्सा ये ऑटोमेटिकली पका हो गया है, और उसके बाद हमें क्या करना है दूसरी बार और एक स्टिच देना है ऊपर का हिस्सा, ये पहले भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए इसी तरह हमारा इस स्टाइल में जो कलर लगाना है वो हमारा लगाना इसे हो गया है। ठीक है, ठीक है फिर तो ये देखिए ये जो स्टाइल मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, और इसका ये लगाने का मैं और भी तरीका है, चलिए अब मैं बहुत समझा दूँ आप लोग। और ये देखिए पीछे का हिस्सा पीछे पीछे में ऐसा ही लगता है, ठीक है। और अब मैं ये मैंने दोनों पार्ट लिया है, अब मैं आप चाहे तो इस पार्ट का एकोट भी ले सकते हो, इस पार्ट में पाइपिंग भी लगा सकते हो, और दूसरा तरीका मैं अभी दिखा रहा हूँ। और फ्रेंड ये देखिए ये और एक स्टाइल में आप लोगों को दिखा रहा हूँ इसे लगाने के लिए, कॉलर को लगाने के लिए। जैसे कि मैंने इस पार्ट को नीचे में पका है हमारा कॉलर का, ये टेक्निक दिखा रहा हूँ, और आप चाहे तो आप ऊपर का हिस्सा भी आप बाद में लगा सकते हो इसी तरह टेक्निक यूज़ करके। मैं एक दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले जैसे कि ये टेक्निक से भी ये लगाया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ आप देखिए, बाद में मैं उस जगह में भी बता दूंगा आप लोगों को। फ्रेंड हमारा दोनों पार्ट में बकरम लगाना हो गया है, और उसके बाद आपको क्या करना है, हम छोड़ रहे हैं फ्रेंड नीचे के पार्ट को छोड़ रहे हैं, ठीक है।
तो उसी हिसाब से जैसे पहले ठीक है। और एक बात आप लोगों को बताना है फ्रेंड, आप लोगों को जैसे कि ये जो बकरम का पहला जो स्टिच मैंने दिया है, आप लोगों को हमेशा उस स्टिच को लेफ्ट तरफ देना है। जैसे कि पाइपिंग में पाइपिंग लगाने के वक्त हम लोग करते हैं, वो लॉजिक को दिमाग में रखना है। ठीक है, और उसके बाद इसे उल्टाना है। और हमारा जो पार्ट है फ्रेंड वो वही है। और इसके बाद इसे आयरन करना होता है, ठीक है। तक आयरन करने से कॉलर का फिनिशिंग बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ये देखिए नीचे हमारा ऑटोमेटिकली पाका पहले से करके रखा है। अब चाहे तो इस पार्ट को ओपनली जैसे लगाना है उसी तरह आप लोग लगा सकते हो। उसी तरह मतलब है इस तरह, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। वो टेक्निक में दोबारा नहीं दिखाऊंगा, इसलिए अपने मुंह से बोल रहा हूँ उसे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये फ्रंट है हमारा और यह से हम इसे लगाएंगे जब फ्रेंड। तो जैसे कि ये एक बकरम आप सोचिए, ठीक है। और ये पार्ट हमारा नीचे का पार्ट है, तो हम किस तरह करेंगे उसे, इस तरह लगाएंगे हम इसे इस तरह, ठीक है। थोड़ा सा इस जगह को छोड़ के हम इस तरह इसे दोनों पार्ट को लगाकर इस तरह करके हम इसे दोनों पार्ट को इसी तरह घुमा देते हैं, ठीक है। वो स्टैंड उसी तरह ये घुमाने से पहले, और ये जो दो पार्ट ये तो पकड़ रहेगा, तो वो आप धी सिंपल से आप अटक देंगे तो स्टिच कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसी जैसे कि अभी जो ऊपर का हिस्सा ऐसा हो जाएगा, तो सिर्फ आपको एक एक स्टिच देने से ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वो टेक्निक में नहीं दिखा रहा हूँ मैं, तो और एक टेक्निक दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये देखिए कितना आसान है फ्रेंड, ये टेक्निक देखिए, ये देखिए तैयार करके मैंने। और एक बात ठीक ठाक करना है, जैसे कि आपको इस जगह को जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा रहता है उसे ठीक ठाक करना है, और नहीं तो जब आप कटिंग करेंगे पहले तो वो कपड़ा को ऐसे एरो करके दे देंगे, वो कपड़ा नहीं आएगा दोबारा, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड, बहुत आसान है ये टेक्निक, एकदम ईजी है। और भी बहुत टेक्निक है, तो अगर दिखाने का मौका मिला हम दूसरे कोई वीडियो बनाकर हम दिखा देंगे। आप चाहे इसमें पाइपिंग लगा सकते हो, ये देखिए कोई परेशानी नहीं हो रहा है इसमें। ये देखिए इसमें सभी, ये देखिए कितना इजी है ये टेक्निक, ये देखिए। और उसके बाद जो बैक की तरफ वो छोड़ के आपको जितना उधर मेजरमेंट लिया है उसी हिसाब से आपको इस जगह को मेजरमेंट आपको रखना है, एक इधर इतना इधर इतना। चलिए इसे छोड़ दीजिए ये ऐसा, ठीक है। तो आप ही सोचिए फ्रेंड, पहला जो स्टिच मैंने दिखाया और ये स्टिच जो आप लोगों को इजी लगे अच्छा लगे तो आप वो टेक्निक यूज करें, ठीक है। आप चाहे इस जगह को पाइपिंग लगा दे, पाइपिंग का वीडियो मैंने दिखा दिया पहले, बहुत दिखा दिया ये कॉलर में कैसे पाइपिंग लगाना होता है, हमारा जो पैडेड ब्लाउज उसमें भी दिखा दिया मैंने। तो आप शायद वो टेक्निक को फॉलो कर सकते हो आप लोग, और नहीं तो ये देखिए, ठीक है फ्रेंड। तो ये देखिए हमारा जो इधर का हिस्सा ये भी पका रहा है, इधर का पका रहा है, और जब जो बैक में जब कॉलर रहेगा तो इस तरह इसे रहेगा ये, ठीक है। ये देखिए ये कॉलर, और इसको क्या कर सकते, आप चाहे तो थोड़ा सा इधर कर सकते हो आप लोग, जैसे कि इसको ऐसे ऐसे कर सकते हो, ठीक
ठीक है, ऐसे भी कर सकते आप लोग। तो जो लोग और इसके बाद इस जगह में आप स्टिच दे सकते हो, तो इसी तरह करना होता है, कॉलर लगाना, ये हमारा रिक्वेस्ट का वीडियो था। तो अभी तक जो लोग हमारा वीडियो देख रहे थे बहुत कष्ट करके और बहुत मेहनत करके सीखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोगों को फिर दिल से थैंक्स करो। आप इसी तरह सीखते रहिए और कोशिश करते जाए, और कोई भी अगर परेशानी हो तो हमें हमारा जो ईमेल है उसमें आप आपका रिक्वायरमेंट भेज सकते हो, वो वीडियो बनाकर अगर हो सके तो मैं अपलोड कर दूँगा। और घर में बैठकर आप इसी तरह सीखते रहिए। बाय बाय, टेक का शुभरात्रि एंड गुड नाइट।